तो अब तक इस लेसन का एक्सप्लेनेशन आपने जो देखा था, अब उसके आगे का हम देखते हैं। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन वो सब काय में चला गया, बेकार चला गया, वो सब चीज़ बेकार में चली गई। जो जो ये कर रहे थे, चालाकियाँ अपना रहे थे, तरह तरह की तरकीबें निकाल रहे थे, चुपके चुपके से जाके उस पर वार कर रहे थे, बड़ी तेज़ी के साथ, बड़े उससे क्यों कर रहे थे कि भाई वो इनको तंग कर रहा था, एक बार हो गया, दो बार हो गया। बाद में इन्होंने खुद ही उसको मन में ठाना कि नहीं, इसने बहुत अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, अब इसको तो मार देना ही चाहिए, मौत की सज़ा सुना देना चाहिए। उसके बाद उसको मारने के लिए उसके पीछे घूमते रहे, झपटते रहे, ये करते रहे, कभी चालाकी से, लेकिन क्या हुआ, ये सारी इनकी कोशिशें व्यर्थ चली गई, बेकार चली गई। इट वॉज ऑल इन वेन, ही प्लेड विथ मी, वो मेरे साथ खेलता रहा, ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली। तो कैसे खेलता रहा, बिल्कुल खुलेआम और ठाट के साथ, ऑस्टेंटेशियसली का मतलब ठाट से, कि मतलब उसको कोई डर नहीं है, उसको कोई ये नहीं है कि मतलब आगे मेरा क्या होगा, मैं इतने एक बड़े जानवर से, यानी इंसान को जो मच्छर जानवर मानता है, तो ऑथर जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो निडर होके बिना आगे की ये परवाह किए कि भाई ज़्यादा मैं इसको तंग कर दूंगा तो ज़्यादा ये गुस्से में आके मेरा क्या हाल करेगा, इस तरह का कोई उसको ऑथर की नज़रों में, लेखक की नज़रों में मच्छर को इस तरह की कोई भी चिंता नहीं थी। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल, जैसे आपने देखा होगा मेटाडोर क्या होता है, यहाँ पर ये शब्द आया मेटाडोर। मेटाडोर वो होते हैं कि जो बुल फाइटिंग होती है स्पेन में, इस तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा और ताकतवर भैंसे से लोग लड़ते हैं, उसको लाल कपड़ा दिखाते हैं और उसको गुस्सा दिलाते हैं और फिर उसके ऊपर लटक जाते हैं, कहीं कुछ कहीं उसको तंग करते रहते हैं, और उससे उसमें एक कॉम्पिटिशन ये होता है कि कितनी देर तक कोई भी फाइटर, बुल फाइटर, उस बुल से लड़ सकता है, जो सबसे ज़्यादा देर तक लड़ता है वो जीतता है। तो इसी तरीके से मतलब इनका कहना ये था यहाँ पर कि वो जो मच्छर इनके साथ कर रहा था वो उसी तरीके से कर रहा था जैसे कि वो जो बुल फाइटर होते हैं वो भैंसे को लाल कपड़ा दिखा के, कभी उसके ऊपर चढ़ के, कभी सींग से लटक के, कभी ये करके उसको छकाते रहते हैं इधर का उधर, और बुल जो है वो पूरी तरह से गुस्से में आके बुल फाइटर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, और वही यहाँ पर ये इसी तरह का इनके साथ वो मच्छर कर रहा था। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ, और ये बिल्कुल क्लियर था कि उसको ये सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था, किसको, मच्छर को, इनके साथ ये सब करने में। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और वो किस लिए मज़ा आ रहा था कि उसने इनको डिस्टर्ब कर दिया था, और वो किस लिए मज़ा आ रहा था कि रिपोज का मतलब ये आराम फरमा रहे थे और उसमें उसने खलल डाल दिया था, और वो इस बात से बड़ा मज़ा आ रहा था उसको। जैसे कई शरारती बच्चे होते हैं जो दूसरों को तंग करके उनको बड़ा मज़ा आता है, चाहे वो दूसरा आराम कर रहा हो या कुछ भी, इसी तरह से ये मच्छर, इनकी नज़रों में उस मच्छर को भी बड़ा मज़ा आ रहा था इनको तंग करके। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, एंड वॉट अ स्पोर्ट, लाइक बींग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लम्बरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रीचर हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस हेल्पलेस एंड सो स्ट्यूपिड। और उसको क्या है, उसको थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए, खेल चाहिए था, किसको, मच्छर को। ये ऑथर लिख रहे हैं कि मच्छर को थोड़ा सा क्या है, कुछ मस्ती करनी थी, कुछ खेल चाहिए था, और वो खेल उसके लिए क्या बन गया था कि वो आगे आगे भाग रहा है एक तरीके से मच्छर, और उसके पीछे पीछे एक ऐसा ह्यूज विशाल एक प्राणी बिल्कुल अपने हाथ पैर इस तरह से, विंड मिल क्या होती है, पवन चक्की, जो बड़े बड़े आपने देखा होगा मैदानी इलाकों में, पहाड़ों पे एक बहुत बड़ा सा, एक बहुत ऊंचा पोल होता है और उस पे पंखड़ियाँ पंखे की तरह से बड़ी चलती रहती हैं, विंड मिल होती है, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, जिससे बिजली बनती है, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ जो हवा चलती है उससे घूमती रहती हैं और उससे बिजली पैदा होती है। तो यहाँ पे वो जो लम्बरिंग का मतलब लकड़ी काटने का, जो जैसे अपन लकड़ी काटने के लिए वार करते हैं, तो उसके भी हाथ हवा में उठा के फिर नीचे आता है, तो कुल्हाड़ी से जब लकड़ी या किसी चीज़ से काटी जाती है तो वार करते हैं ना हाथ से उस तरह से, तो इधर पे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो स्थिति थी, इनका देखने में जो लग रहा था, ये यहाँ वहाँ इस तरह से वार कर रहे हैं बार बार, तो एक विशाल जैसे एक बड़ा क्रीचर इस तरह से हाथ हवा में उठा उठा के बार बार करे तो देखने में क्या लगेगा कि या तो लकड़ी काट रहा है, पवन चक्की चल रही है। तो एक तुलना की गई है, इनकी जो हालत थी वो इस तरह की बन चुकी थी,
मच्छर की नज़रों में तो ये कोई बहुत बड़ा कोई प्राणी है, जिसकी जो देखने में पवन चक्की जैसे उसकी एक्टिंग लग रही है, एक्शन लग रहे हैं, और जैसे कि लकड़ी काटने का काम वो कर रहा हो या पवन चक्की चल रही हो, देखने में ऐसा लग रहा है। जैसे हम लोग भी चढ़ाने के लिए कभी कहते नहीं है कि क्यों तुम ये चकरगन्नी की तरह क्यों घूम रहे हो, या ये यहाँ वहाँ क्यों, तो इस तरह से वो एक तुलना टाइप की करके यहाँ पर बताई जा रही है। और मच्छर जो ये मच्छर के नज़रिए से बता रहे हैं कि वो ये इमेजिन कर रहा है इनके बारे में कि उसको ये बड़ा मज़ा आ रहा है कि इस तरह का एक विशाल प्राणी उस मच्छर के पीछे पीछे घूम रहा है, इस तरह की एक्टिंगें करता हुआ। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्ट्यूपिड, और जिसका टेस्ट भी इतना अच्छा है। टेस्ट कैसे कि जब वो दो तीन बार बैठा, उसने उसका खून चूसा इनका मच्छर ने, तो वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि मच्छर को तो यही लग रहा होगा कि देखो कितना बड़ा एक प्राणी है, इसका जायका भी बड़ा अच्छा है, ये कितना मजबूर लग रहा है, इतना सब गुस्सा कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, और एंड सो स्टूपिड, और कितना बेवकूफ़ नज़र आ रहा है। बेवकूफ़ कैसे कि भाई एक मच्छर से तुम लड़ रहे हो और यहाँ वहाँ सब ऐसे उसके ऊपर पीछे पीछे भाग रहे, उसको मारने के लिए कभी यहाँ अखबार से उसको वार कर रहे, कभी यहाँ कर रहे, लेकिन वो मर नहीं रहा है। तो एक अगर पब्लिक के सामने ऐसा कोई करे तो बेवकूफ़ी नज़र आएगा। तो मच्छर तो वही सोच रहा है कि कितना मज़ा आ रहा है मच्छर को, कि इस तरह से एक बड़ा सा इंसान जो इस तरह की एक्टिंगें करके हाथ पैर से उसको मारने की कोशिश, पीछे भाग रहा है या वहाँ वार कर रहा है, और कितना मजबूर और बेवकूफ़ लग रहा है। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अब ये क्या है कि इतना सब जब इनके पास साथ हो गया तो अब यहाँ पर इनके अंदर ये फीलिंग आना शुरू हो गई कि भाई चलो ये भी हमारा एक साथी है मच्छर, ठीक है। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट। अब वो एक सिर्फ एक कीड़ा इनके लिए नहीं रह गया था, एक कीड़ा मकोड़े की तरह से नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी, और अब वो एक शख्सियत, जैसे कि हमारे संपर्क के जो लोग होते हैं, अपने माँ बाप हों चाहे दोस्त हों, या उनकी एक शख्सियत होती है, उनको हम उनके नेचर की वजह से पहचानते हैं कि ये बहुत मजाकिया है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ख़राब हैं। तो उसकी भी मच्छर की भी एक पर्सनैलिटी के तौर पे इनके सामने नज़र आने लगी थी। एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स। और वो पर्सनैलिटी किस तरह की नज़र आने लगी थी कि वो उसमें इतनी इंटेलिजेंस थी, एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, कि जिसने कि जो इस बोगी के ऊपर कब्जा था इनका, जो ऑथर ये बैठे हुए थे अकेले बोगी में, उसने अपनी योग्यता से, अपनी चतुराई से उसको चैलेंज कर दिया था कि नहीं, तुम अकेले इस बोगी के कब्जाधारी नहीं हो, कब्जे में तुम्हारे, बोगी में के तुम अकेले मालिक नहीं हो, मैं भी इसमें हूँ, मेरा भी हक है इसके ऊपर। तो वो अब इसको एक्सेप्ट कर रहे थे कि उसने अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से इनको मजबूर कर दिया था कि वो ये मान लें कि नहीं, ये भी हमारा एक साथी जो इस यात्रा कर रहा है, एक फेलो पैसेंजर है, उसका भी उस बोगी पे इतना ही राइट है, ये इनका मतलब है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। और अब इनके दिल में क्या आ रहा था, एक गर्माहट, एक गर्मजोशी जैसे होता है ना, कि गर्माहट और ठंडक का मतलब ये होता है कि जैसे किसी इंसान से हम कोई इंटरेस्ट ना रखें उसके अंदर, उससे मिलने में, उसके बारे में वो ना रखें, तो वो ठंडा नेचर कहलाता है, उसके प्रति ठंडा एक रिएक्शन देना कहलाता है। और गर्माहट वाला, गर्मजोशी जो वर्ड होता है, गर्माहट से मिलना जुलना, ये कहलाता है कि हम किसी इंसान से, किसी से मिल रहे हैं तो हम खुद भी इंटरेस्टेड हैं और हम चाहते हैं हम उनसे मिलें, उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनको अपने साथ, उनके साथ में हम उठना बैठना चाहते हैं, वो गर्मजोशी से मिले। तो यही फीलिंग गर्मजोशी वाली, उनकी फीलिंग जागृत होने लगी, जागने लगी मच्छर के लिए। और सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, फेड का मतलब होता है बोझिल, हल्का पड़ जाना। तो जो सुपीरियरिटी होती है वो होती है कि नहीं, हम सुपीरियर, हम बड़े हैं, महान होने की, बड़े होने की फीलिंग वो इनकी ख़त्म होती गई और बराबरी की फीलिंग आती गई। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। और ये कह रहे हैं कि मैं सुपीरियर कैसे फील कर सकता था, मैं बड़ा और महान कैसे फील कर सकता था
एक ऐसे क्रीचर के सामने, एक ऐसे प्रिय प्राणी के सामने, क्रीचर का मतलब होता प्राणी, कि उसने कितनी शानदार तरीके से एक ऐसे कंपटीशन में वो एक तरीके से इनसे जीत गया था, जो अकेला एक ही बार इनका कंपटीशन हुआ जिसमें एक ही बार ये लोग एक तरीके से उस कंपटीशन में लड़े या फाइट किया इन्होंने, और उसी में वो एक तरीके से ये हरा नहीं पाए उनको। तो जब इतना सब हुआ तो उसके बाद वो कैसे अपने आप को बड़ा मान सकते थे? वाई नॉट बी मैग्नेमियस अगेन, क्यों ना फिर से हम अच्छे संबंध, अच्छी फीलिंग के साथ, उदारता के साथ बिहेव करें, या उदार क्यों ना हो जाए फिर से एक दूसरे के लिए। ठीक है, मैग्नेमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, वाई नॉट टू बी मैग्नेमियस अगेन, क्यों ना फिर से उदार हो जाया जाए, क्यों ना फिर से हम अच्छा बिहेव करें। और मैग्नेमिटी एंड मर्सी, उदारता यानी अच्छा बिहेवियर और मर्सी यानी कि दया या करुणा, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, ये तो एक इंसान की बहुत शानदार क्वालिटी होती है ना, उदार होना और दया का भाव रखना दूसरों के ऊपर, तो क्यों ना दयालु हो जाया जाए इन दस। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसका कुछ बिगाड़ तो पा नहीं रहे, तो यानी कि जब हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे तो वही हम अच्छे बन जाएं, कि नहीं हम तो अच्छे हैं इसलिए हम तुमसे लड़ नहीं रहे, तुम्हारा हम कुछ बिगाड़ नहीं रहे। लेकिन हकीकत क्या थी कि वो कोशिश तो उनने पूरी कर ली लेकिन बिगाड़ ही नहीं पाए, तो इसलिए अब इसी में भलाई है कि अच्छे बन जाओ। इन दी एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, और ऐसा करने से क्या होगा, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, और ये जो एक बहुत ही उच्च क्वालिटी होती हैं, उच्च बड़ी एक खूबियाँ होती हैं किसी इंसान की, अगर हम ये इस पर वापस आ जाएँ तो क्या होगा कि आई कुड रिकवर, रिकवर का मतलब होता फिर से पाना, प्रेस्टीज का मतलब इज्जत है इनकी वो है, तो ये इनको अपनी इज्जत खोई हुई, जो इज्जत ये खो चुके हैं उसके पीछे भाग भाग के लड़ लड़ के और इसको मारने की कोशिश करके और असफल हो गए, कामयाब नहीं हुए, तो इस तरीके से उनकी भले ही कोई देख नहीं रहा लेकिन मच्छर की नज़रों में, इनकी खुद की नज़रों में तो इनकी इज्जत उतर चुकी थी, तो इनका सोचना ये था कि अब हम इसके ऊपर दया दिखाएं, अच्छे बन जाएं, तो इससे क्या होगा कि भाई एक इंसान के तौर पर हम ये तो कह सकते हैं कि नहीं हमने दया दिखाई और इनकी खोई हुई इज्जत ये थोड़ी सी पा सकते हैं। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, अभी तो क्या था कि एक तरीके से ये एट प्रेजेंट मैंने वर्तमान में तो क्या है इनकी हालत रिडिकुलस, हास्यास्पद, रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, जिसकी कंडीशन ऐसी हो रही हो कि जो दूसरों को हंसी आ सके देख के, और ऐसी चीज़ बन गई थी जिस पर लोग हंस सकते हैं और जिसका मजाक उड़ा सकते हैं, डेरिजन का मतलब जो जिसका मजाक उड़ाया जा सकते हैं। बाई बींग मर्सीफुल आई कुड री असर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, यानी कि अब मर्सीफुल यानी कि दया का भाव दिखा के ये कम से कम अपनी जो एक नैतिक जो इनका सम्मान था वो एक दोबारा उसको खड़ा कर सकते थे, दोबारा उसको बरकरार रख सकते थे, ये किसी भी इंसान का जो होता है, और ये दोबारा जिस जहाँ ये बैठे हुए थे जिस कॉर्नर में वहाँ पे एक सम्मान के साथ जा सकते थे। कैसे सम्मान के साथ जाने का क्या मतलब है कि जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई एक कॉम्पिटिशन हो, जैसे बुल फाइटिंग का हमने उदाहरण दिया, तो उधर पर अगर लड़ाई की जगह होती है, रिंग होता है, बॉक्सिंग की रिंग होती है, कुश्ती लड़ने का एक अखाड़ा होता है, लड़ने की कोई भी जगह होती है, क्रिकेट का मैच होता है उसकी फील्ड होती है, पिच होती है, तो यानी जो चीज़ ऐसी है जहाँ पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, उस जगह से जब दोबारा हम वापस अपनी जगह पे आते हैं बैठने के लिए या निकल के आते हैं पब्लिक के बीच में, तो सम्मान से आना या बेइज्जती से आना ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने लड़ाई जीती या हारी। अब यहाँ पे भी वैसे तो हार चुके लेकिन इनका मतलब ये था कि अगर अभी भी हम ये दिखाना शुरू कर दें कि हमने दया कर दी, तो कम से कम जब ये दोबारा अपनी सीट पे जाके बैठेंगे तो एक तरीके का वही सीन ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई एक कॉम्पिटिशन लड़ के या मैच खेल के जीत के वापस आता है या कम से कम बिना हारे वापस आता है, तो जो उसकी एक रिस्पेक्ट होती है वो बरकरार रहती है, तो वो ये ही रिस्पेक्ट ये बरकरार रखना चाह रहे थे कि कम से कम हम दया दिखा के और इस तरीके से तो अपनी सीट पर जाके बैठें कि हाँ सम्मान के साथ हम वापस आ गए, हार के और बेइज्जती करा के नहीं आए। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ
और इन्होंने क्या करा, इनने जो मौत का आदेश मृत्यु दंड जो दिया था मच्छर को वो इन्हें वापस ले लिया, रिटर्निंग टू माई सीट, और ये अपनी सीट पर वापस आ गए ये कहते हुए, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट। तो ये कहते हुए वापस आ गए कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हारा जो मृत्यु दंड तुम्हें दिया था उसको मैं रोक रहा हूँ, माफ़ कर रहा हूँ, और मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई डू इट का मतलब कि झूठ नहीं बोल रहा, जैसे कि ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे अब मेरी कोई चाल नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, इन्होंने अपना पेपर उठाया और वो मच्छर आके उस पेपर पे बैठ गया। फूलिश फेलो आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, और इन्होंने आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन आई स्नैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉर्प्स नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर यूथ्स बट आई शैल नॉट डू इट। अब ये क्या हुआ कि जब ये दोबारा बैठे, आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, जैसे ही इन्होंने अपना पेपर अखबार उठाया बैठे पढ़ने के लिए, वो आया और अखबार के खुले हुए दोनों पन्नों के बीच में वो आके बैठ गया। अब ये क्या कह रहे हैं, फूलिश फेलो, बेवकूफ आदमी, या जैसे हम कह सकते हैं कुछ भी, बेवकूफ आदमी, बेवकूफ इंसान, जैसे हम एक दूसरे के लिए कहते हैं मन में, इन्होंने सोचा उसके लिए, इन्होंने कहा यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, और मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये जो मैं हाथ में अपना एक वीकली साप्ताहिक अखबार था, वो तो वीकली ये जो चीज़ लिए हुए हूँ खबरों की, अखबार को बोल रहे हैं वो, अ स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉर्प्स, इसमें सिर्फ एक मुझे एक स्मैक मतलब एक आपस में इसको मतलब बंद करके एक झटके से बंद करना है, एक झटके से कर देना है और तुम काय में बदल जाओगे। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, बस तुम उसमें एक डेड बॉडी में बदल जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल, और बहुत सफाई के साथ सैंडविच बन जाओगे दो आर्टिकल्स के बीच में, एक अब जैसे दो पन्ने हमने किसी किताब के या किसी अखबार के खोले हुए हों किसी बुक के, तो एक लेफ्ट पन्ना रहेगा एक राइट पन्ना रहेगा, तो इधर पे ये बता रहे हैं कि एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज़, तो ये एक एक पन्ने पे अखबार के एक तरफ एक आर्टिकल था पीस ट्रैप्स के ऊपर, और दूसरे पन्ने पे द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज़ आर्टिकल लिखे हुए थे। दोनों का एक मीनिंग तो था इस तरह का, पीस ट्रैप्स का मतलब है कि शांति के जाल में फंसना, कोई अखबार में आर्टिकल किसी ने लिखा हो उसका टाइटल ये हो कि शांति के झांसे में आके फंस जाना, और दूसरे में है द मॉडेस्टी ऑफ, दूसरे राइट पेज पे जो आर्टिकल था उस पे क्या टाइटल था, द मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब होता है कि दयालुता या एक अच्छा व्यवहार, जो एक इंसानियत वाला व्यवहार एक दूसरों के लिए वो दिखाना। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अखबार के खुले हुए पन्ने थे, एक तरफ उसमें एक आर्टिकल था पीस ट्रैप्स, दूसरी तरफ था द मॉडेस्टी ऑफ ह्यूज, दोनों आर्टिकल इस तरीके से थे कि बात तो उसमें पीस शांति की और अच्छे व्यवहार की गई थी, लेकिन मच्छर उधर ही जाकर बैठ गया। तो ये कह रहे हैं कि अब मैं आसानी से तुम्हें एक झटके से ये अखबार के दोनों पन्ने बंद कर दूँ, उसमें तुम्हें दबा दूँ, सैंडविच बना दूँ, और तुम इन्हीं दोनों आर्टिकलों के बीच में दब के एक डेड बॉडी में बदल जाओगे, एक आर्टिकल पीस ट्रैप्स शांति के झांसे में आके फंस जाना, और दूसरे में है कि द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, मिस्टर ह्यूज का एक अच्छा व्यवहार, उनकी मॉडेस्टी, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा दे दी है यानी मृत्यु दंड तुम्हारा कैंसिल कर दिया है, मौत की सजा, एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, और मैं तुम्हें इससे संतुष्ट कर दूंगा कि जब ये लार्ज एनिमल, यानी वो अपने आप को कह रहे हैं कि ये एक विशाल जानवर, मच्छर की नज़रों में वो क्या है, ये ऑथर क्या है, एक बड़ा जानवर ही है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये इस चीज़ से संतुष्ट कर दूंगा, तुम इससे संतुष्ट हो जाओगे कि जब ये एक बड़ा जानवर कोई जो बात कहता है तो उस पर कायम रहता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, और
इसके अलावा अब मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं बची है कि मैं तुम्हें मारूं। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील शैल आई से सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। और थ्रू नोइंग यू यानी तुम्हें जानने के दौरान या तुम्हें जानने यू बेटर मतलब कि तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह जान लेने से अब मैं क्या महसूस करने लगा हूँ शैल आई से कि क्या मैं कह दूँ कि मैं ये महसूस करने लगा हूँ कि मुझे तुमसे अफेक्शन हो गया है। जैसे हम पेट्स पालते हैं कुत्ते बिल्ली ये सब पालतू जानवर जो पालते हैं तो जिस तरह का स्नेह और प्यार हमें उनसे हो जाता है तो वही अफेक्शन इनको उस मच्छर से हो गया। तो ये उसको वही बता रहे हैं कि मुझे तुम्हें मारना नहीं है क्योंकि मुझे भी तुमसे कोई अफेक्शन जैसा हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। और आई फैंसी का मतलब फैंसी करना मतलब इमेजिन कल्पना करना अच्छी कल्पना करना। और दैट सेंट फ्रांसिस के सेंट फ्रांसिस भी तुम्हें छोटे भाई कह के बुलाते लिटिल ब्रदर का मतलब छोटा भाई कह के बुलाते। अब सेंट फ्रांसिस कौन थे? सेंट फ्रांसिस क्रिश्चियंस के एक सेंट्स हुए जैसे सेंट जोसेफ सेंट फ्रांसिस सेंट मैरी ये सब इनके क्रिश्चियनिटी में सेंट्स होते हैं। तो सेंट फ्रांसिस जो थे वो जानवरों से बड़ा प्यार करते थे इसीलिए इन्होंने सेंट फ्रांसिस का यहाँ पर नाम लिया। आई कैनॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी बट आई रिकग्नाइज अ मियर डिस्टेंट रिलेशनशिप। तो ये क्या कह रहे हैं? अब मैं कोई बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन चैरिटी नहीं करता हूँ या मैं कोई बहुत ज़्यादा समाज सेवा या धर्म कर्म के काम नहीं करता हूँ। तो यानी वो ये क्या कह रहे हैं कि मैं अगर तुम्हारे साथ ये इस तरह का एक स्नेह पैदा जो हो गया है उसकी जो मैं बात कर रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई धर्म कर्म करता रहता हूँ समाज सेवा के काम करता रहता हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। बट आई रिकग्नाइज अ मियर डिस्टेंट रिलेशनशिप लेकिन मुझे बस एक ऐसा एक रिलेशनशिप एक ऐसा एक रिश्ता टाइप का जुड़ गया है जो कभी कभी अचानक किसी लोगों का जुड़ जाता है आपस में किसी से रास्ते में हमें कुछ टाइम के लिए जब हम मिलते हैं ट्रेनों में सफ़र के दौरान तो होता है ऐसा कई बार कि किसी किसी से एक अच्छी बॉन्डिंग बातचीत होने लगती है जो हमें अच्छा लगता है बातचीत करके मिलके। तो ये उस तरह का ही बता रहे हैं कि अचानक मिले और एक तुमसे एक रिलेशन जैसा एक प्यार जैसा बन गया। वैसे ये इनकी कोई हैबिट नहीं है समाज सेवा या ये करने की। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट। अब फॉर्च्यून का मतलब किस्मत ने हमें फेलो ट्रैवलर्स बना दिया इस गर्मी की इस रात में। फेलो ट्रैवलर्स वो ये सहयात्री जो साथ में यात्रा कर रहे हैं। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी कि मैंने तुम्हारे अंदर दिलचस्पी जगाई और तुमने मुझे एंटरटेन किया यानी जो वो पूरा जो समय बीता उसमें दोनों को ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मज़ा भी आया। ठीक है। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल एंड इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। तो जो ऑब्लिगेशन यानी कि जो दोनों तरफ से ही हमने एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा किया और ये एक तरीके से इस बात पर आधारित है कि हम दोनों ही कोई ऐसे नहीं हैं कि जो हमेशा मतलब हम लोग नाशवान हैं वो भी एक लिविंग बीइंग है हम भी एक लिविंग बीइंग हैं उसकी भी डेथ अपने आप कभी ना कभी जो ईश्वर ने या कुदरत ने जिस तरह से भी सेट किया जितनी उसकी उम्र रखी है जैसे एक इंसान की उम्र 100 साल मानी जाती है कोई 60 साल में मर जाता है कोई ज़्यादा जीता है तो एक जो अपने आप होता है कुदरती होता है और कोई अपने आप बीच में किसी को मार दे वो बात एक अलग हो जाती है। तो इधर भी ये कह रहे हैं कि भाई जो कुदरत करेगी वो हम लोगों के साथ दोनों के साथ होगा हम भी एक लिविंग बींग है तुम भी एक लिविंग बींग हो तो इस नाते से हम दोनों की एक चीज़ की सिमिलैरिटी है हम दोनों ही नाशवान हैं हम दोनों की ही ज़िंदगी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी कब होगी कैसे होगी ये ना तुम्हें मालूम ना हमें मालूम। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू कि जो ज़िंदगी में जो चमत्कार होते हैं और जो रहस्य छुपे होते हैं वो तुम्हारे साथ भी हैं मेरे साथ भी हैं। अब यहाँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कभी कभी अचानक बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं कभी हम अचानक किसी एक्सीडेंट से या इससे बच जाते हैं कभी अचानक हमारा बहुत एक कठिन काम अपने आप हो जाता है कभी एक बहुत अच्छी चीज़ हमें अपने आप मिल जाती है चमत्कार होते रहते हैं।
मिस्ट्रीज भी छुपी होती हैं, कभी कभी हमें कुछ पता नहीं होता है, अचानक कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ में हो जाती है। तो यहाँ पर वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस मच्छर के साथ और उनके साथ ये सब घटना घटी, तो अब उन्होंने तो बीच में कोशिश करी कि उसको मार दें क्योंकि वो तंग कर रहा था, लेकिन बाद में जब वो बचता ही चला गया तब इनको ऑथर जो थे क्या हुआ, उसके साथ एक अफेक्शन पैदा हो गया, स्नेह पैदा हो गया। और बाद में वो ये सब चीज़ जब वो बिल्कुल उनके कब्जे में आ गया, अखबार के बीच में आके बैठ गया, और जब वो वाकई उसको मार सकते थे, तब उन्होंने क्या किया कि उसको मारा नहीं, मच्छर को। तब क्यों नहीं मारा, तब तक वो उसके प्रति उनका अफेक्शन पैदा हो चुका था। और वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम भी एक नश्वर हो, तुम्हारी भी एक लाइफ है, तुम्हारा भी नाश एक टाइम पे होगा, मेरा भी वैसे ही है। तो जब लाइफ में बहुत सारे चमत्कार और रहस्य छुपे होते हैं, तो आज जो हुआ वो चाहे एक चमत्कार था, रहस्य था, कुछ भी था, तुम्हारे साथ भी घटा, मेरे साथ भी घटा, तो इसको एक लाइफ का पार्ट मान के हमें चलना चाहिए। आई सपोज़ यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। वो ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि तुम्हें भी अपनी आगे की भविष्य की यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं भी निश्चित नहीं हूँ कि मुझे भी कोई तुमसे ज़्यादा या कुछ ज़्यादा जितना तुम्हें पता है उससे ज़्यादा मैं भी अपने बारे में नहीं जानता। और ये हम में से कोई भी समझेगा कि फ्यूचर के बारे में हम में से किसको पता रहता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जब फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है, हम उस फ्यूचर को एक तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने चाहने से अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर हम ये क्यों करें कि हम किसी को मारें या ये करें। ठीक है, जिसकी जो नेचर कुदरत ने जैसा बनाया है वो वैसा करेगा, और हमको तो उसके हिसाब से ही एडजस्टमेंट करके चलना है। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक। और हमको तो बल्कि ये सोचना चाहिए कि एक जो आम तौर पे जो चीज़ें होती हैं उससे हट के कुछ हमारे साथ अलग हुआ। अब हट के अलग कैसे हुआ कि रोज़ क्या होता था, रोज़ अगर डिब्बों में ट्रेन के तो काफ़ी पैसेंजर होते हैं, अब हर रोज़ तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई किस तरह से पैसेंजर हो और कोई मच्छर या कीड़ा इस तरह से भरी गाड़ी में जाए और कोई उसके ऊपर दया कर दे, क्योंकि कीड़े की जो सोच है, कीड़ा क्या होता है, कीड़े में कोई ये अकल तो होती नहीं है कि भाई अभी बहुत सारे पैसेंजर हैं, चलो यहाँ से नहीं जाएं, किसी को कष्ट होगा तो कोई हमें मारेगा। या वो तो अपना जिस तरह का उसका नेचर है कि घूम घूम के उसको जाना है, मच्छर को सबके ऊपर बैठना है, वहाँ खून चूसना है और अपना पेट भरना है, ये इस चीज़ के लिए वो बना है, वो वही करेगा। लेकिन इस बीच कब किसके हत्थे चढ़ के वो मर जाएगा ये तो उसको नहीं पता। तो अब आज क्या हुआ, जो आज हुआ वो उससे अलग हटके हुआ, आमतौर पे जो नहीं होता। यानी कि पहले तो उसने ऑथर को कई बार तंग किया, लेकिन कई बार तंग करने के बावजूद एक ऐसा मौका आया जब वो बिल्कुल उस ऑथर के राइटर के विद इन रीच में था कि वो ऑथर उसको मार सकता था, लेकिन फिर भी उसने नहीं मारा। तो आज जो चीज़ हुई वो ऐसी हुई जो अक्सर रोज़ नहीं हो सकती, यानी रोज़ तो कोई जो ऐसा मिलेगा नहीं कि जो मच्छर किसी को तंग करे और फिर वो एक मच्छर उस इंसान के ऐसे कंट्रोल में आ जाए जहाँ वो आसानी से मार सकता है और ना मारे। तो यहाँ पे वो यही बात कह रहा है कि भाई आज जो हुआ वो एक ऐसी चीज़ हुई कि जो हमेशा नहीं होती है, तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि ठीक है, जो कुदरत ने तय कर रखा था, तो मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं मालूम, हमारा नहीं मालूम, तो हम भी अपने आप को कुदरत के ऊपर छोड़ दें, हम क्यों तुम्हें मारें। फिर जस्ट अपेरिशंस दैट आर एंड दैट आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन। और जो आज की जो घटना हुई है वो आम घटनाओं से, आम घटना क्या होती, एक ट्रेन की बोगी चल रही है, लाइट जल रही है, उसमें कोई मच्छर जैसे ये चला गया, लैम्प के इधर उधर घूमा और फिर से अंधेरे में चला गया, ये तो रोज़ की बात होती है। अब रोज़ की बात के अलावा जो आज हुआ वो इससे हट के हुआ, तो यानी कि रोज़ की घटना से अलग हट के कुछ ऐसा हुआ, तो उसको हम पॉजिटिव में लें और एक दूसरे की इस बात को समझें कि हम लोग सभी क्या हैं, नाशवान हैं, सबका एक अंत होना है कुदरत के हिसाब से, जो निर्धारित है कि किसकी उम्र कितनी है, तो उसके हिसाब से हम चलें, ना कि खुद ये डिसाइड करें कि दूसरे को हम कितना ज़िंदा रहने देंगे, कितना उसको वो करेंगे, कुदरत के ऊपर छोड़ देना चाहिए।
अब ये यहाँ अगला पैराग्राफ आ रहा है, गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड अ वॉइस एट द विंडो। अब ये क्या है कि अपने ख्यालों में खोए हुए थे, ये सब सोच करके चले जा रहे थे, इतने में गाड़ी के स्टेशन पर रुक गई और वहाँ से बाहर से प्लेटफॉर्म से आवाज़ आई कि क्या आज रात आगे जा रहे हैं सर आप। वहाँ कौन था, माइक कुली था जो खिड़की में से इनको बोल रहा था। इट वॉज़ अ फ्रेंडली पोर्टर, वो एक ऐसा कुली था जो एक अच्छा कुली था जो कम से कम हमें याद दिला रहा था। उसका कहने का मतलब ये था कि आपका स्टेशन यही तो नहीं है, कहीं आप गलती से तो आगे नहीं जा रहे वाले हैं। उसने एक हिंट दिया, गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि मुझे एक हिंट दिया कि क्या ये आपका स्टेशन है, क्या देख लो। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया कुली का और बोला आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मैं एक शायद झपकी ले रहा हूँगा, मुझे थोड़ी सी झपकी आ गई होगी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और ये अपनी छड़ी उठाई इन्होंने और गर्मी की जो ठंडक वाली रात होती है जिसमें हम कमरे से या उससे बाहर निकलते हैं तो बाहर हमें ठंडक का महसूस होती है, ठंडक उस तरह की एक नाइट थी जिसमें ये बोगी से कंपार्टमेंट से बाहर निकले, बाहर इनको ठंडक सी महसूस हुई। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, और जब ये उतर के इन्होंने बोगी का दरवाज़ा बंद किया ट्रेन के कंपार्टमेंट का, तो इन्होंने अपने फेलो ट्रेवलर को जो साथी ही था, इनका सहयात्री था वो मच्छर, उसको लैम्प के आसपास उड़ते हुए देखा, फ्लटर करके फड़फड़ाते हुए पंख के साथ उड़ते हुए देखा इधर उधर मंडराते हुए। यहाँ पर ये कहानी इनकी ये ऐसे एंड हो गया। तो यानी इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो ऑथर थे इन्होंने ये जो थोड़ा सा एक ह्यूमरस वे में ये जो पूरा एक ऐसे लिखा हुआ है अपना संस्मरण का, तो है तो वो ह्यूमरस वे में, लेकिन उस पर उन्होंने ये एक बताने की कोशिश की है कि हम जितने लोग हैं, इंसान जानवर सभी लोग क्या हैं, मॉर्टल हैं, मॉर्टल नाशवान हैं, इनका सबका अंत होना है, और सहयात्री भी हैं हम एक तरीके से। सहयात्री कैसे, कि हमारी जो लाइफ चल रही है हम भी अपनी जीवन जी रहे हैं, हम भी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, हमारे साथ और दूसरे इंसान जानवर सब अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, और हमको भले ही किसी दूसरे के कोई एक्शन से, किसी काम से तकलीफ़ हो सकती है, अच्छा नहीं लग सकता है, और उससे इरिटेट होकर हम ये चाह सकते हैं कि इसका ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसको हम ख़त्म कर दें, ये कर दें, लेकिन कुदरत ने जिसको जैसा बनाया वो वैसे ही करता है। मच्छर है तो उसको काटना ही है, मक्खी है तो भिनभिनाएगी, अब किस किस को मारोगे किसको, ये तो जो कुदरत ने तय किया है सबके साथ वैसा ही होगा। तो हमें एक दूसरे के साथ अपनी जो जीवन की यात्रा है, जैसे इसमें ट्रेन की यात्रा थी, इसमें वो सहकर्मी था, इसी तरह से हमारी जो जीवन की यात्रा है इसमें सभी लोग हमारे सहकर्मी हैं, सहयात्री हैं, और वो सब हमारे साथ में अपनी, हम अपना जीवन जी रहे हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं, और उनका भी एक टाइम पर अंत आएगा, हमारा भी आएगा, तो कुदरत के ऊपर छोड़ के हमको सबके साथ में एक इस तरह का व्यवहार रखना चाहिए कि दूसरों के लिए हम डिसाइड ना करें कि क्या वो करे कैसा करे, अपना अपना कोशिश ये करना चाहिए कि सबके साथ अच्छा बिहेव करके और कुदरत के हिसाब से जो जैसा कर रहा है उसकी लिमिट के अंदर उसको हम एक्सेप्ट करें। अगर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा है जब तक कि कोई दूसरे इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा ना बन जाए, तब तक हमें दूसरे किसी को भी उसके जो कुदरत ने जैसा उसको बनाया है वैसा वो अगर वो जी रहा है तो उसके जीने के तरीके से हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये उस इस पैसे का एक तरीके से हम इससे ये शिक्षा ले सकते हैं। आगे इसमें जो भी ग्लॉसरी और एक्सरसाइजेस होंगी ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इसमें ये मीनिंग्स दिए हुए हैं, इसको आप दोबारा रीड करिए। और ये यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिए हैं, पैसेजेस एक्सप्लेन करने हैं, इनको आप कोशिश करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन भी आपको दे दिए जाएंगे। जब तक एज अ होमवर्क आप अपनी तरफ से इनको करने की कोशिश करिए।